अभिनेता श्याम को आजादी से पहले के हिंदी सिनेमा के हैंडसम एक्टर्स में से एक माना जाता था। हिंदी सिनेमा के इतिहासकारों का मानना है कि अगर 1951 में उनकी असामयिक मौत ना होती तो 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा का चेहरा बहुत अलग होता। उस वक्त श्याम 50 के दशक की मशहूर त्रिमूर्ति के बड़े स्टार होते और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करते। बाद में 50 के दशक की त्रिमूर्ति दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर रहे। श्याम को 1949 की म्यूजिकल हिट फिल्म दिल्लगी के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिनमें उनके अपोजिट अभिनेत्री गायिका सुरैया थी। फिल्म में संगीत निर्देशक नौशाद द्वारा रचित लगभग एक दर्जन गाने थे, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। श्याम की पैदाइश 20 फरवरी 1928 सियालकोट में हुई, जो अब पाकिस्तान में है। उनके वालिद साहब यानी कि पिताजी भारतीय चिकित्सा सेवा पंजाब में एक स्टोर कीपर के तौर पर काम किया करते थे। श्याम का पूरा परिवार रावलपिंडी का था। श्याम के दादा उनके गांव के पटवारी थे। पंजाबी हिंदू खत्रियों के चड्ढा कबीले की उनकी शाखा झेलम के पास किसी एक गांव की है, लेकिन उनका परिवार कुछ पीढ़ियों पहले रावलपिंडी में आकर बस गया था, इसलिए श्याम की पढ़ाई लिखाई रावलपिंडी में ही हुई और उन्होंने वहां के प्रसिद्ध गार्डन कॉलेज में पढ़ाई की। श्याम को बचपन से ही फिल्मों में बहुत दिलचस्पी थी। जब वो छोटे थे तो अपने पिता के साथ विभिन्न छावनी कस्बों में जाया करते थे, जहां उन्हें अक्सर फिल्में देखने को मिल जाया करती थी। श्याम ने जब फिल्मों में काम करने की इच्छा अपने परिवार के सामने जाहिर की तो इनके वालिद साहब यानी कि पिताजी बहुत नाराज हुए। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। ये श्याम के चाचा स्वर्गीय ताराचंद चड्ढा थे, जो ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे। उन्होंने श्याम के पिता को श्याम को फिल्मों में काम करने की अनुमति देने के लिए राजी कर लिया। श्याम ने पुणे आकर प्रभात सिनेमा में काम किया और पुणे में आधार बंगले में लेन नंबर 9 प्रभात रोड में वो रहा करते थे। 1941 में श्याम को बॉम्बे टॉकीज द्वारा स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। लेकिन उनकी फिल्मों में काम करने की इच्छा और ज्यादा तगड़ी हो गई। उन्होंने जेके नंदा के सहायक निर्देशक के तौर पर नौकरी भी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म गोवंडी, जो कि 1942 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म से की। इस फिल्म में उनके साथ पीना, मनोरमा, एस डी नारंग, आशा पोसली और महान चरित्र अभिनेता एम इस्माइल के साथ सह अभिनेता के तौर पर इन्होंने अपने अभिनय की पारी शुरू की। हिंदी सिनेमा में श्याम ने सबसे पहले फिल्म निर्देशक डब्ल्यू जेड अहमद की फिल्म मन की जीत, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म से अपने करियर का आगाज किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट एक्ट्रेस नीना थी और कमरा नंबर 9 1946 में गीता निजामी के साथ भी वो नजर आए। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें जो फिल्में मिली वो उन्होंने की। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पहली हिंदी फिल्म निर्दोष थी, लेकिन इस फिल्म का सही साल नहीं पता चलता है, इसलिए सही मायनों में मन की जीत को ही उनकी पहली हिंदी फिल्म माना जाता है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद बॉम्बे टॉकीज के लिए उन्होंने फिर से स्क्रीन टेस्ट दिया। श्याम इस बार सफल रहे। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मजबूर, जो कि 1948 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में अभिनय किया, जिसका निर्देशन नजीर अजमेरी ने किया था और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी मुनव्वर सुल्ताना। उन्हें इस फिल्म के लिए खूब तारीफें मिली। श्याम को भारतीय पर्दे के होनहार कलाकारों में शुमार किया गया। कई फिल्म समीक्षकों ने उनके बारे में लिखा कि उनसे इतनी बहुमुखी प्रतिभा के काबिल होने की उम्मीद कभी नहीं की गई थी। फिल्म मजबूर के बाद श्याम ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनकी प्रतिभा सही कदरदानों के पास पहुंच गई थी, जहां उसे अभी और तराशा जाना था। बॉम्बे टॉकीज के साथ जुड़े होने की वजह से उनकी मुलाकात मशहूर और मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो से हुई और ये मुलाकात बहुत अच्छी दोस्ती में बदल गई। मंटो ने श्याम और अपनी दोस्ती के बारे में मुरली की धुन नाम से एक आर्टिकल भी लिखा था। विभाजन के बाद मंटो पाकिस्तान चले गए और उनके जाने का श्याम को सबसे ज्यादा दुख हुआ था और वो उन्हें बंबई बंदरगाह पर छोड़ने भी गए थे। इसी साल श्याम निगार सुल्ताना के साथ शाहिद लतीफ की फिल्म शिकायत में भी दिखाई दिए। 1949 में श्याम के अभिनय करियर के लिहाज से बहुत अच्छा साल रहा। इस साल उनकी लगभग 10 फिल्में रिलीज हुईं। दिल्लगी, कनीज, पतंगा, नाच, रात की रानी,
बाजार, चांदनी रात, चार दिन, संगीता और दादा 1950 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। समाधि, छोटी भाभी, मीना बाजार, काले बादल, सूरजमुखी, निर्दोष, वफा और मधुबन। 1949 की फिल्म दिल्लगी में वो अभिनेत्री सुरैया के साथ नजर आए। उन पर और सुरैया पर फिल्माया गया गीत तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। इस गीत को आवाज दी थी अभिनेत्री और गायिका सुरैया और गायक श्याम कुमार ने। ये गाना अपनी रिलीज के वक्त बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया था और आज भी ये सिने प्रेमियों के बीच काफी पसंद किया जाता है। जबकि इस गीत को आवाज दी थी गायक श्याम कुमार ने, जो इत्तेफाक से इसी फिल्म में श्याम के साथ अभिनय कर रहे थे। फिल्म में और भी अद्भुत गाने थे। तेरा ख्याल दिल दे भुलाया ना जाएगा, चार दिन की चांदनी थी फिर अंधेरी रात, इस दुनिया में दिलवालों दिल लगाना ठीक नहीं। एआर कारदार द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक सुखद रोमांस थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। उनकी एक और बेहद लोकप्रिय फिल्म कनीज, जिसमें उनकी पत्नी मुनव्वर सुल्ताना और खलनायिका कुलदीप कौर के बीच उन्हें फंसा दिखाया गया था। श्याम के चरित्र में ग्रे शेड थे क्योंकि वो अपनी अत्यधिक गुड़ी पत्नी मुनव्वर को पसंद नहीं करते हैं और क्लब डांसर कुलदीप कौर के प्यार में पड़ जाते हैं। ये फिल्म अपने आप में एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। बाजार 1949 में उन्होंने फिर से निगार सुल्ताना के साथ काम किया। उन्होंने मुनव्वर और निगार सुल्ताना के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन सुरैया के साथ श्याम की जोड़ी जबरदस्त रही। इन दोनों ने 3 फिल्मों दिल्लगी, नाच और चार दिन, ये तीनों फिल्में 1949 में रिलीज हुई थी। इन फिल्मों में इन दोनों ने साथ में काम किया। श्याम के साथ काम को याद करते हुए सुरैया ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अक्सर उन्हें भारत के एरोन फिलिप के रूप में सोचती थी, मजाकिया और बातूनी। श्याम और मेरी एक गुप्त भाषा थी, इस भाषा में वो मुझे घोड़ी कहते थे और मैं उन्हें घोड़ा। श्याम जब भी मेरे साथ सेट पर होते थे तो अपनी हाइट को लेकर बहुत सचेत रहते थे, वैसे ही जब भी मैं उनके साथ काम करती थी तो अपने छोटे कद को लेकर बहुत सचेत रहती थी। वो अक्सर मेरी नानी को चिढ़ाया करते थे, वो हमारे लिए एक फैमिली के जैसे थे। श्याम ने बेहद कम वक्त में सिने जगत पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने उस वक्त की सभी टॉप एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, निगार सुल्ताना, नसीम बानो, सुरैया, पुष्पा हंस, कुलदीप कौर, मुनव्वर सुल्ताना, नरगिस, वीना, रेहाना, रमोला और मीना शौरी। श्याम ने नसीम बानो के साथ चांदनी रात 1949, नरगिस के साथ छोटी भाभी मीना बाजार, ये दोनों फिल्में 1950 में रिलीज हुई थी। रेहाना के साथ सूरजमुखी, निर्दोष, ये दोनों फिल्में 1950 में, और मीना शौरी के साथ काले बादल 1951 में काम किया। 1951 में रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म शबिस्तान। इस फिल्म में श्याम की हीरोइन थी नसीम बानो और फिल्म में कुछ बेहतरीन युगल गीत थे। उनमें से गीत कुछ यूं था, हम हैं तेरे दीवाने गर तू बुरा न माने। ये वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान उनकी घातक दुर्घटना में मौत हो गई थी। फिल्म में एक एक्शन सीन शूट किया जा रहा था जिसमें श्याम को घोड़े पर सवार होना था। सीन में ही दूसरे घुड़सवार भी थे। जब सीन फिल्माया जा रहा था तो श्याम ने किसी तरह अपने घोड़े पर नियंत्रण खो दिया और वो घोड़े से नीचे गिर पड़े। पीछे दूसरे घुड़सवार उन्हें कुचलते हुए निकल गए। उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। जब उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया तब तक काफी नुकसान हो चुका था, वो कभी उबर नहीं पाए। दुख की बात ये रही कि अपनी चोटों की वजह से 25 अप्रैल 1951 को वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत ने हिंदी सिनेमा को झकझोर कर रख दिया था। उनकी मौत के बाद फिल्म के बचे हुए दृश्यों को बॉडी डबल का इस्तेमाल करके शूट किया गया था। ज्यादातर शॉट्स पीछे से लिए गए थे। फिल्म में 2 युद्धरत राज्यों की कहानी है और नसीम बानो उनमें से एक की राजकुमारी थी, इसलिए युद्ध के दृश्यों को चित्रित करने के लिए घोड़े की पीठ पर लड़ाई के दृश्यों की जरूरत थी और इन्हीं दृश्यों को फिल्माने के दौरान श्याम की मौत हो गई थी। 1950 में अशोक कुमार, श्याम, नली जयवंत और कुलदीप कौर की एक दिलचस्प स्टार कास्ट के साथ स्पाई थ्रिलर फिल्म समाधि आई। ये फिल्म हिट थी और निश्चित रूप से हिंदी सिनेमा के शुरुआती जासूसी थ्रिलर में से एक थी, लेकिन ये फिल्म पहली नहीं थी। फिल्म में श्याम अशोक कुमार के बड़े भाई की भूमिका में है। इसी फिल्म में फुट टैपिंग गाना गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो फिल्माया गया है।
श्याम की अगर पर्सनल जिंदगी में झांकें तो पता चलता है कि उनकी शादी मुमताज कुरैशी उर्फ ताजी से हुई थी, जो उनकी मौत के बाद पाकिस्तान चली गई थी। मुमताज ने बाद में अंसारी नाम के किसी आदमी से शादी की, जिसकी वजह से श्याम के बच्चे अंसारी सरनेम का इस्तेमाल करते थे। श्याम की बेटी साहिरा कासमी ने अपने दिवंगत पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स में एक अभिनेत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने 1974 में पाकिस्तानी टीवी अभिनेता राहत काजमी से शादी की और इस शादी से उन्हें दो बच्चे हैं, अली और निदा। श्याम का एक बेटा शाकिर भी था, जिसे देखने के लिए वो जिंदा नहीं थे, क्योंकि शाकिर की पैदाइश श्याम के मरने के कुछ महीनों बाद हुई थी। उनके बेटे शाकिर लंदन में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। श्याम के भतीजे विमल चड्ढा एक प्रमुख पत्रकार, जो कि दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में रहते हैं। अभी हाल ही में उनकी भी मौत हो गई है। श्याम की अगर बेहतरीन फिल्मों की बात की जाए तो उनमें रात की रानी 1949, समाधि 1950, संगीता 1950 और पंजाबी फिल्म मदारी 1950 शामिल है, जिसमें उन्होंने एक हवलदार की गेस्ट भूमिका निभाई थी। 2018 की फिल्म मंटो में श्याम की भूमिका ताहिर राज भसीन ने निभाई थी। दोस्तों, अभिनेता श्याम की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।